तो अभी यूनिवर्सिटी ऑफ कोवेंट्री के बारे में अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो देख लो। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि एक बीबीए का जो अगर कोर्स है, अगर आप अंडरग्रेड करने के लिए आते हो, अंडरग्रेड में यहाँ पे क्या फ़ायदा है और कैसे कोर्सेज होते हैं, कितनी फीस होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और इनिशियल स्ट्रगल्स क्या होते हैं एक स्टूडेंट के जब यूके में आता है, क्या इनिशियल स्ट्रगल्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी अकेला मैं तो नहीं कर सकता, कोई तो लगेगा ना मुझे इसके लिए। तो जो इंग्रेडिएंट है सब्जी बनाने के लिए वो ये है। इनका नाम है आश्चर्य। इनको आपने कोवेंट्री वाली वीडियो में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो वीडियो जाके देख लो। और आज हम लोग इनसे बात करेंगे और इनसे जो है पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे जो नए स्टूडेंट होगी, जो जो पता होगी। तो बताओ तुम्हारे बारे में। मेरा नाम आश्चर्य, मैं यहाँ पे बीबीए करने आया हूँ। अच्छा, मैं इंडिया से हूँ, दिल्ली। तो यहाँ पे जैसे आपने पिछले वीडियो में देख लिया सारा स्टोर वगैरह, मतलब एक्सपीरियंस तो सुंदर वगैरह तो है, वो आपको एक हफ्ते लगेगा कि हाँ इंडिया से देख कर आओगे वीडियो, बहुत सुंदर है, इंटरेस्टिंग लगेगा बहुत ज़्यादा। जब इंडिया से आप सब मतलब कि जब भी आएगा कोई, वो होती है ना अंदर से कि हाँ वीडियो देखो, चुल होती है, चुल होती है कि क्या क्या है वहाँ पे। वीडियोज में तो आपको बहुत सुंदर लगेगा, बट यहाँ पर आओगे एक हफ्ते में सब देख लोगे, फिर बोर हो जाओगे। इसको तो दो हफ्ते हो गया आके, ये दो हफ्ते में तो दो हफ्ते में बोर हो गया बहुत ज्यादा। ओ भाई साहब बताओ, क्योंकि यहाँ पे अब यही है घूमने के लिए। हाँ। लगता है पैसा। हाँ। अभी जॉब वगैरह है नहीं, पार्ट टाइम मिली नहीं, पार्ट टाइम मिली नहीं, यहाँ पे जॉब है नहीं, तो यही है घूम रहे हैं। हाँ। जो नोक नोक घटका रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, जॉब दे दो जॉब दे दो। अच्छा, तो उस चीज में हर मतलब थोड़ा थोड़ा करके CV1 CV6 ऐसे घूम रहा हूँ, तो बाबा जा जाके बोर हो जाते हैं। अच्छा, तो अभी थोड़ा बाहर जाएंगे। हाँ। तब होगा एक्सपीरियंस, अभी तक तो यहाँ का तो सही है। हाँ। सुंदर लगा पहले। कोर्स बताओ तुम्हारा। मेरा बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कैसा है, कैसा है बीबीए? इंटरेस्टिंग है, मतलब कि जो बंदा ज्यादा ढूंढने वगैरह कुछ ढूंढना है ना तुमको। हाँ। अपने फील्ड में। हाँ। मतलब कि तुमको कुछ नया इन्वेंट करने का वो हो रहा है। हाँ। ऐसा इन्वेंशन नहीं। हाँ। नए आइडियाज आपको तुमको चाहिए, तो इंजीनियरिंग नहीं करता उसके लिए बंदा? अरे वो ही तो कह रहा हूँ, गाड़ी वगैरह बनवा दी वो तो इन्वेंशन हो गया। हाँ। तुमको एक वो गाड़ी को बेचना कैसे है, उस चीज में तुमको स्किल्स गेम्स गेम्स करने तुमको थोड़ा गेम्स आने चाहिए। ये बंदा ये कह रहा है कि तुम्हें भले ही तुम बना लो गाड़ी, तुम बना लो रॉकेट, तुम पहुंच जाओ चांद तक, लेकिन उसको बेचोगे कैसे, कैसे? तुम अपने आप को लोगों को वो कैसे करोगे शो? तो वो चीज करनी है तुमको। हाँ। तुम्हारा इंटरेस्ट है कि तुम एक तो तुमको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा इस चीज में। सही बात है कि तुमको सामान बेचना है तो तुमको 10 लोगों से बात करनी ही पड़ेगी, करनी पड़ेगी, तो उसके लिए तुमको एक्सट्रोवर्ट होना है। ये बात तो हो गई तुम्हारी बीबीए की, बीबीए की, और तुम क्यों तुमने चुना उसके लिए, ठीक है। लेकिन अब बताओ कि अभी तुम अंडरग्रेड के लिए क्यों आए? बहुत सारे लोग मास्टर्स के लिए आते हैं, तुमने क्या सोच लिया कि भाई चलो अंडरग्रेड के लिए जाते हैं, कुछ अलग करते हैं? मेरे को तो जैसे आपकी ग्लासगो यूनिवर्सिटी, हाँ, वो भी टॉप यूनिवर्सिटी, इनमें ऐसे एडमिशन मिलते नहीं है। हाँ। एक्सपीरियंस वगैरह तो मैंने सोचा था पहले यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कर लूंगा। हाँ। फिर यहाँ पे जॉब का कर लूंगा एक्सपीरियंस, तो जैसे ऑक्सफोर्ड हो गई इन सबको टारगेट कर पाऊंगा फिर मैं सीधा। हाँ, हाँ, हाँ। मास्टर्स के लिए, मास्टर्स के लिए। ओ भाई बड़ी सोच, बड़ी सोच है ब्रो ये। अब थोड़ा देखते हैं कैसे होगा, वो तो बड़ी सोच करके आयो तुम यहाँ पे, बहुत बड़ी। तो ये तो अच्छा है, ये तो मतलब। और कितना फीस है तुम्हारे अंडरग्रेड की, कितने साल का है पहले तो अंडरग्रेड? 3 साल का। 3 साल का नॉर्मली, 3 साल का इंडिया में भी 3 साल का है, बस इंडिया में ही है। हाँ। कि तुमको वहाँ पे थ्योरिकल नॉलेज देते हैं। हाँ, पे तुमको प्रैक्टिकल देंगे। क्लासेस हुई तुम्हारी अभी तक यहाँ पे? कैसी है क्लासेस? कुछ नहीं, एक हमारी होती है पहले लेक्चर क्लासेस, फिर हमारे होते सेमिनार। अच्छा, पहले लेक्चर में समझा देते थ्योरिकली कि तुमको ऐसे ऐसे ये चीज होती है। हाँ। फिर वही तुम्हारी एक्टिविटीज करके दिखाते हैं। ये बात सही है, मतलब कि ग्रुप बना के दे देते हैं। हाँ। तुमको ये चीज, जैसे मेरे को आया था कि मेरे साथ में बंदा है। हाँ। उसको तुमको बेचना है। अच्छा, ऐसे ऐसे कि ओ भाई। इसको बेचो एज अ मार्केटर। हाँ। मैं कंपनी हूँ। हाँ। आप मार्केटर हो। हाँ। तो आप मुझे बेचो। Okay. मतलब मैं आपको बेचू एज अ कंपनी में। हाँ, हाँ। कि मेरा मास मार्केटर है। Okay. कि इसको ले लो बहुत अच्छा है। अच्छा, और वो अच्छा क्यों है इसको आपको एक्सप्लेन करो, तुम अपने नॉलेज दिखाओ कि तुम इसको बेच कैसे सकते हो, इंसान को कैसे इंसान ग्रैब हो जाएगा कि हाँ इसको लेना है मुझे। तो ये चीज दिखाने में तो इंडिया से इस चीज में अच्छा है। देखते हैं बाकी क्या होता है, अभी तक इतना एक्सपीरियंस है। सही है, तो तुमने भरे है, मतलब 12 लाख भर रहे हो तो, है ना? 15 लाख भर रहे हो पर ईयर का। पर ईयर 3 साल का ऐसा है, तो तुम्हारा कितना 45 लाख तुम भर दोगे। हाँ जी। तो पर ये एक साथ भरनी होती है, कैसा सीन है इसका? डिपॉजिट पहले हमको करना होता है 4000 डिपॉजिट, 4000 पाउंड। हाँ। जब हमको हमको एक वो देना होता है इंटरव्यू। हाँ। उससे पहले 4000 पाउंड डिपॉजिट करने होते हैं। ओके। फिर इंटरव्यू के बाद तुम्हारा इंटरव्यू हो गया। हाँ। इंटरव्यू पास करने के बाद तुमको कैश लेटर आ जाएगा। हाँ। और जब वीजा लगा दोगे। हाँ। मतलब यहाँ पे आने से पहले। हाँ। 4000 और देने पड़ते हैं। इतना तो 8000 पाउंड तुमको यहाँ पे आने से पहले पे करना पड़ता है यूनिवर्सिटी को। अच्छा। फिर उसके बाद सीधा सितंबर में लास्ट होगा या जुलाई,
जनवरी में होगा शायद से, हाँ तब हमको पे करना है आधा 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 ऐसे पे करना है, आधा ऐसे ऐसे पे करना, पूरा एक साथ नहीं करना है, लेकिन पहले 8,000 तुमने भरे, पहले 4,000 फिर 4,000 टोटल 8,000 वैसे करके पे कर, 8 लाख रुपए तक तुमने भर दिए, भर दिए डिपॉजिट सिर्फ। हाँ जी। ओह ये तो बड़ा डिफरेंट किस्सा हो गया। अच्छा जैसे आप में भी 4,000 कुछ डिपॉजिट करने पड़ेंगे, सिर्फ 1,000 pound था, 1,000 pound था, 1,000 pound था। हाँ नहीं हमको पहले 4,000 यहाँ पे, हमारा डिपॉजिट तो 4,000 है बट हमको आने से पहले यहाँ पे एज अ फी में पे करना पड़ता है 4,000। ये सही है। अच्छा तो फिर कैसा एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा है फिर बीबीए का, अंडरग्रेड का मेनली? बढ़िया है, बस ये सोच रहा हूँ मैं 3 साल निकालने हैं। हाँ लेकिन तू जैसे कह रहा है थोड़ा अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, तो आगे जाके आराम से निकल जाएंगे, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में थोड़ा और हो जाएगा। हाँ तो इसी चीज़ में अगर आगे बढ़ जाएगा तो इंटरेस्टिंग है। सही बात है, खोलेंगे अपना बिजनेस भी फिर ऐसे करके। ये बात लौंडा तुम्हारा जवान हो गया देखो। तो एनीवेज ये था आपका ये, पर कोई ऐसा तुमको अभी जैसे अभी दो हफ्ते हुए थे आके, तो कैसा लग रहा है ब्रो बाकी बाकी सारी चीज़ों में, क्या डिफिकल्टी आ रही है पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में, क्या डिफिकल्टी आ रही है? पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे है कि अगर तुम्हारा रेफरेंस है हाँ तो तुमको इमीडिएटली मिल जाएगी। अच्छा तुम्हारे रेफरेंस नहीं है मतलब कि कोई बंदा तुम्हारा है नहीं हाँ तो तुमको इंडीड पे अप्लाई करो, ऑनलाइन अप्लाई करो, ऑफलाइन में तो जाके कैश पे देंगे वो पैसे देते नहीं, हो कैश करना भी नहीं चाहिए, इलीगल हो जाता है, इलीगल है वो। तो अगर तुमको NI पे करना है तो तुमको रेफरेंस चाहिए होगा स्टार्टिंग में। अच्छा फिर ना यहाँ पे मेरे एकोमोडेशन में है 9-9 महीने हो गए लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, 6-9 महीने जॉब नहीं मिल रही है, तो पार्ट टाइम में तो बहुत हो रहा है इधर। ये तो खतरनाक है यार, बहुत ज़्यादा। तो 2 हफ्ते से जॉब नहीं मिली अभी तक तुम्हें? नहीं बट मेरी तो मतलब कि मेरे भैया भैया भी नहीं कह सकते, मेरे भाई का दोस्त है वो लंदन में। अच्छा तो उसने बात करी है, देखते हैं क्या होता है आगे जाके, बोल तो रहे देख लेगा उसका दोस्त है। ओके वो भी लक के ऊपर ही सब कुछ यहाँ पे। ये बात भी सही है, लक के ऊपर तो है, थोड़ी मेहनत भी है। मेहनत भी है तुमको, अगर तब तो घर पे बैठ के सोचो जॉब मिल जाएगी तब तो मिलेगी नहीं, तुमको जानी पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, और तुमको पैसे बचाने तो पैदल जाना पड़ेगा। सीधी बात है यार, स्टार्टिंग में पैदल जाना पड़ेगा, साइकिल खरीद लो, साइकिल साइकिल खरीद ली थी। बट ये भी तो है ना, कहाँ कहाँ जाओगे साइकिल लेके, बाहर खड़ी कर दी चोरी हो गई। ये भी बात सही है, ये तो मतलब चलो सही है। तो तुमने अभी तक साइकिल वाइकिल ली नहीं है? नहीं। अच्छा ग्रोसरीज वगैरह कैसा, कितना कितना खर्चा हो जाता है हफ्ते का ग्रोसरीज में? आप चाहो तो 15,000 मतलब 15,000 पंद्रह सौ पाउंड पंद्रह पाउंड 15,000 रुपये तो मतलब 150 पाउंड अभी रुपीज़ में खेल रहा हूँ मैं माइंड में तो उतने में हो जाते तुम चाहो तो 150 पाउंड हफ्ते के? नहीं महीने के, महीने के ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। बट लोग तो यहाँ पे आके ज्यादा भी उड़ा देते हैं, वो तुम्हारे ऊपर है क्योंकि यहाँ पे जो स्टोर्स होते हैं वो थोड़े उसमें फैंसी चीजें भी होती हैं। तुम अगर वो खरीद लो तुम्हारी चुत गई। सच में वो तुम्हारे ऊपर होते हैं कैसे खर्च करने, क्या नहीं। ये बात तो यही है। तो ये था भाई का एक्सपीरियंस। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, और कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे मैं काफी एक्टिव रहता हूँ, इंडिया ट्रैवलर करके मेरा पेज है, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, DM कर सकते हो, और कोएंट्री में आ रहे हो तो और भी वीडियो मैं अभी डालूंगा तो वो सारे वीडियो देखो, और नहीं देखोगे तो फिर क्यों आ रहे हो भाई। सच में अच्छी वीडियो डालते हैं, इन्फॉर्मेटिव, देखो जाके। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।